नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की एक अति महत्वपूर्ण बैठक 7 जुलाई 2020 को संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे नया विज्ञापन कब जारी किया जा सकता है, कॉलेज अलॉटमेंट कब से होगा और स्थगित साक्षात्कार कब से प्रारंभ हो सकते हैं। इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। इस संबंध में प्रतियोगी मोर्चा के प्रदेश संयोजक विक्की खान ने बताया है कि आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कुछ बातों पर लगभग सहमति बनी है, जैसे कि अब तक जिन विषयों का अंतिम परिणाम जारी किया जा चुका है उनके विद्यालय 15 जुलाई तक आवंटित कर दिए जाएंगे। यहाँ पर ऐसी जानकारी विक्की खान जी द्वारा दी जा रही है। जहाँ तक स्थगित किए गए साक्षात्कार को प्रारंभ करने का प्रश्न है, उस पर एक तिथि को लेकर सहमति बनी है और वह तिथि है 27 या 28 जुलाई। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जिनका साक्षात्कार चल रहा था और लॉकडाउन के कारण उनका साक्षात्कार स्थगित करना पड़ा था, उन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 27 या 28 जुलाई से प्रारंभ हो सकता है। चयन बोर्ड का यह भी मानना है कि इंटरव्यू को 27 या 28 जुलाई से प्रारंभ कराया जाए और प्रतियोगी छात्रों को कम संख्या में बुलाया जाए। देखिए, साथ ही साथ नए विज्ञापन के बारे में यहां पर क्या कहा गया है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को देखते हुए चयन बोर्ड में नए विज्ञापन को लेकर भी सहमति बनी है और इस बारे में यह निर्णय लिया गया है कि जल्द ही एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से नया विज्ञापन भी 2 से लेकर 3 महीने के भीतर जारी किया जा सकता है। आज की मीटिंग को निरंतर चालू रखते हुए कल फिर चयन बोर्ड की मीटिंग होगी, अर्थात 8 जुलाई को भी चयन बोर्ड की मीटिंग होगी और इन सब मुद्दों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। अर्थात अंतिम मोहर नहीं लगाई गई है, यहाँ पर इन विषयों पर चर्चा हुई है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके इंटरव्यू स्थगित हो चुके हैं उनको 27 या 28 जुलाई से इंटरव्यू प्रारंभ हो सकते हैं, उनकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। TGT शारीरिक शिक्षा का जो संशोधित परिणाम है वह भी इस माह के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।